नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस विवाद में गहलोत की एंट्री। पंजाब सीएम को कल अशोक गहलोत देंगे भोज। 3 घंटे जयपुर में रहकर गहलोत से सियासी संकट मैनेजमेंट पर मंथन करेंगे चन्नी। राजभवन में अटका मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल। राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र में हाल ही में पास करवाया था बिल। चाइल्ड मैरिज के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से उपजे हैं विवाद। पाकिस्तान जाने के लिए सड़क पर बैठे 19 परिवार। जोधपुर से बस से निकले थे, सीआईडी ने पकड़ा। अब बाघा बॉर्डर पर सीमा पार करवाने की कर रहे हैं गुहार। जयपुर में 40 साल की विधवा महिला की हत्या। अल्बर्ट हॉल पर कबूतरों को दाना बेचती थी महिला, एक दिन पहले घर से हुई लापता। सुबह सुनसान जगह पर मिला शव। बीजेपी युवा मोर्चा का आगाज। प्रदेश भर में आंदोलन। रीट में धांधली की सीबीआई जांच और मंत्री डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग। उपखंड लेवल पर होंगे धरने प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद और कलह में अब ऑब्जर्वेशन हरीश चौधरी के बाद सीएम अशोक गहलोत की भी एंट्री हो गई है। पंजाब कांग्रेस की कलह के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल सुबह जयपुर आ रहे हैं। चन्नी के सम्मान में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर भोज रखा है। इस भोज में गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्री और प्रमुख कांग्रेस नेता को बुलाया गया है। पंजाब कांग्रेस के विवाद में अब तक सीएम गहलोत ने केवल सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही सलाह दी थी, इसके अलावा कोई बयान नहीं आया था। अब चन्नी को बड़ा भोज देकर एक तरफ से पंजाब कांग्रेस विवाद में गहलोत की भी एंट्री हो गई है। चरणजीत सिंह चन्नी का कल 11 बजे जयपुर पहुंचने और दोपहर 2 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी भी चन्नी के साथ आ रहे हैं। गहलोत की कैबिनेट में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अब भी चंडीगढ़ में कैंपेन करके पंजाब कांग्रेस विवाद को हाईकमान के पास कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चन्नी के जयपुर दौरे की कांग्रेस की सियासत के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में पारित मैरिज रजिस्ट्रेशन में संशोधन बिल 2021 विवाद के कारण राजस्थान के राजभवन में अटक गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजे जाने वाले 2 विधायकों में राज्य में मिलावटखोरी रोकने का दंड संशोधन विधेयक 2021 और रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 में शामिल है, लेकिन तीसरा विधेयक विवाह की अनिवार्यता में संशोधन का था जिसे नहीं भेजा जा रहा है। इस संशोधन विधेयक में कम उम्र बच्चों की शादी होने, उस बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट को अथॉराइज करने के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने भी संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताते हुए फिर से राज्य सरकार को विचार करने को कहा था। राजभवन में पेंडिंग इस बिल पर हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब तक अपना कोई स्टैंड या कमेंट नहीं दिया है। जोधपुर से निकले 19 परिवार पाक जाने के लिए पिछले 12 दिनों से बाघा बॉर्डर के पास बैठे हैं। उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था है और ना ही रहने की। दलाल की बातों में आकर बस से ये परिवार निकला था कि रास्ते में सीआईडी ने रोक लिया। पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के कारण इनको बस से उतार दिया गया। कुल 99 लोगों में 57 बच्चे हैं और 22 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि एक दलाल ने उन्हें जोधपुर से पाकिस्तान जाने के लिए भेजा है। यहाँ रोकने पर उसे कॉल किया तो वह मुकर गया। पाक विस्थापित परिवार का कहना है कि हम सब पैसा देकर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन बाघा बॉर्डर पर उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि कागज पूरे नहीं है। कुछ दिनों पहले परिवार वाले 3 बसों में गए थे, उनके पास भी कागज नहीं थे। इस परिवार ने वीडियो कॉल करके बताया कि बाघा बॉर्डर से करीब आधा किमी दूर सतनाम ढाबे के पास सड़क पर रह रहे हैं। पाकिस्तान वापस जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा यहां की गारंटी और जोधपुर पुलिस की रवानगी के पेपर देने होते हैं, साथ ही कोविड जांच की रिपोर्ट बॉर्डर पर मांगी जाती है। ये दलाल फर्जी गारंटी और कोविड जांच की रिपोर्ट तैयार कर पाक विस्थापितों को पकड़ा देते हैं। इस आधार पर बॉर्डर आसानी से पार करी जा सकती है। जयपुर में एक 40 साल की महिला की हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। महिला कल शाम से लापता थी, उसके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं। लोगों ने सुनसान जगह पर महिला का शव पड़े देखा तो कानोता पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल शव को पुलिस ने मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। माना जा रहा है कि महिला की हत्या कर शव को फेंक कर चले गए। जांच में पता लगा कि महिला अल्बर्ट हॉल पर कबूतरों के दाना खिलाती थी और उनके पति काफी समय पहले मौत हो गई थी। इसके 5 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़कियों की शादी कर चुकी है। पुलिस महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच कर रही है।
रीट परीक्षा में धांधली पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाने और प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी का युवा मोर्चा आज सड़कों पर उतरेगा। प्रदेश भर में उपखंड स्तर पर युवा मोर्चा धरना और विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन शुरू करेगा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में सीकर में दोपहर करीब 12 बजे से प्रदर्शन रखा गया है, जबकि प्रदेश के सभी जिलों में उपखंड स्तर पर युवा मोर्चा संयोजक अपने अपने लेवल पर यूथ टीम के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आरोप लगाया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।